गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर, फॉर्मर एस बी ए पी ओ, एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। एक जनरल क्वेरी है जो बार बार स्टूडेंट्स की मेरे पास आ रही है रिगार्डिंग 2021 नेक्स्ट ईयर का जो कैलेंडर है IBPS का, उसके रिगार्डिंग। क्योंकि आप सभी को पता है मेंस के जो आने वाले शेड्यूल है उसको रिलीज कर दिया गया है ऑलरेडी। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब जो शेड्यूल है नॉर्मल टाइम से काफ़ी आगे तक खींचा जा रहा है। जनरली क्या रहता है, जनवरी तक आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है मेंस की, और इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि फरवरी तक तो मेंस ही चल रहा है। काफ़ी ऐसे IBPS के जो रिक्रूटमेंट्स हैं जिनका फैब तक तो मेंस ही कंप्लीट हो रहा है, फिर कुछ प्रोसेस ऐसी रहती है जिनमें इंटरव्यू की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ख़त्म होते होते काफ़ी डिले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स के डाउट है कि यार 2021 का जो सर कैलेंडर है, क्या जो यूजुअल टाइम है उसी को फॉलो करेगा? क्योंकि जनरली IBPS का कैलेंडर रिलीज कर दिया जाता है थर्ड वीक ऑफ जनवरी, बाय 15th या 16th जनवरी तक आपका कैलेंडर रिलीज कर दिया जाता है। अब लेट्स सी कि 15 या 16 जनवरी तक 2021 का कैलेंडर रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो एग्जाम्स तो सारे नेक्स्ट ईयर होंगे, सेम रूटीन पे होंगे, CET वगैरह की चिंता मत करना। अभी इस साल CET की पॉसिबिलिटी बहुत कम है इम्प्लीमेंटेशन होने की, तो नेक्स्ट ईयर की जो रिक्रूटमेंट्स रहने वाले वो सारे के सारे नॉर्मल पैटर्न पे रहेंगे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। अब नॉर्मल जो कैलेंडर है वो फॉलो होगा नहीं होगा, वो आपको 15 या 16 जनवरी को पता चल जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर डिले होगा भी तो कुछ महीनों के लिए डिले होगा, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रूटीन फॉलो करेगा। बाकी 15-16 जैन तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। अभी जो आने वाले रिक्रूटमेंट्स हैं उन पर फोकस करो, उन पे अच्छी तरह फोकस रहो, और IBPS क्लर्क जो आपका दिसंबर में होने वाला है उस पे स्पेशल फोकस रखना है। उसके बाद फिर जनवरी में आपके RRBs, फरवरी में कुछ RRB के एग्जाम, IBPS PO का एग्जाम, देन IBPS क्लर्क का एग्जाम, तो काफ़ी सारे एग्जाम्स अभी तक फरवरी के एंड तक हैं आपके पास, तो चिंता मत कीजिए। और जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नेक्स्ट ईयर का जो आने वाला है वो आपको 15-16 जनवरी तक पता चल जाएगा, तो उसकी अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि सेम ही रूटीन फॉलो होने वाला है, बाकी 15-16 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि कैलेंडर क्या रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।